हेलो दोस्तों, मेरे क्या चाकर से चावल का पकौड़ा बना रहे हैं। चावल को पानी में भिगो दिया है, तो अच्छी तरह से देखिए पानी में कच्चे चावल को पानी में भिगो देना है। भिगो देने के बाद 4 घंटे भिगोने के बाद कुछ इस तरह का मिक्सी में पीस लिया है। पेस्ट निकाल लिया है, हम जरा सा अजवाइन डालेंगे, 2 चम्मच बेसन डालेंगे बाइंडिंग के लिए, 2 स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, धनिया कटी हुई डालेंगे, हरी मिर्ची लिया है, सबको मिक्स कर लूँ पेस्ट में, चावल के पेस्ट में। इस पेस्ट को मिक्स कर लेंगे, इसको टेबल्स पर ले जाएंगे, आपको नजर आ चुका है। तेल गर्म हो चुका है, कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसपे चावल के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, जरूर बनाएं। 2 चम्मच बाइंडिंग के लिए बेसन डाल दिया है और हरी मिर्च अजवाइन कटा हुआ, शाम के चाय के साथ खाएं या सुबह चाय के साथ नाश्ते के साथ। चावल और 2 चम्मच बेसन बाइंडिंग के लिए डाला है, पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, सो घर में ट्राई करके देखें। ये डिश बहुत झटपट बन जाती है, पकौड़ा और कुछ 1 कटोरी चावल से मात्र बन जाती है, 10 रुपये के खर्च में। इस पकौड़ा में पकौड़ा बहुत ही कुरकुरा बनता है चावल का, फिर 2 चम्मच मैंने बाइंडिंग के लिए बेसन ऐड किया है, अजवाइन नमक, आज पे फ्राई करें, बाद में पूरा तेज कर दें, मीडियम मीडियम फ्राई करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। गैस को ऑफ कर रहा हूँ, बंद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट।